गुड गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं सन से भी पहले उठ गया हूँ बिकॉज टुडे इज़ डे टू ऑफ आवर कन्नूर का ट्रिप एंड टुडे इज़ द डे ऑफ एक्सप्लोरेशन। और इतना सुबह सुबह उठ के वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर वन यूनिक थिंग। इतना यूनिक है कि इट इज़ द ओनली प्लेस इन होल ऑफ इंडिया जहाँ पे कि दिस थिंग इज़ लीगली अवेलेबल। व्हाट्स सो यूनिक अबाउट इट यू से? वेल, इट्स एन यूनिक बीच। तो पहले एक्सप्लोर करते हैं कि यूनिक सा बीच। चलो लेट्स zip zap and zoom। This is fucking crazy, man. I am driving on the beach. Can you just imagine that? मतलब usually तो होता है कि beach के बाहर गाड़ी park करो और अंदर चल के आओ। यहाँ पे नहीं, गाड़ी लेके direct जाओ and you can see this stretch of beach like इतना बड़ा। It's totally 4 kilometers, to be precise 3.8 kilometer का stretch जहाँ पे कि you can drive in with your car, with your bike. Man, it's just crazy. एंड अगर आप सुबह सुबह आओगे लाइक बिफोर 8:30 9 o'clock तो ज़्यादा क्राउड भी नहीं रहेगा, तो आराम से चला सकते हो। एंड यू कैन सी फिशरमैन ओवर हियर डूइंग देयर डेली फिशिंग जॉब एंड ऑल दैट। एंड द सी गर्ल्स और ईगल, क्या बोलते हैं इनको, वो लोग वो फिश में हाथ मारने का ट्राई कर रहे हैं, चोरी करने का। इट्स क्रेजी डूड, क्रेजी। वेल, दिस इज़ द ओनली बीच इन इंडिया जहाँ पे कि ड्राइव इन लीगली अलाउड है। एंड इट्स नॉट जस्ट इंडिया बट एशिया का लार्जेस्ट ड्राइव इन बीच है। इसके लिए ही ये टूरिस्ट के साथ बहुत पॉपुलर है, इवन विद द फॉरेन टूरिस्ट। और ऐसे छोटा मोटा बीच मत समझिए इसको, पूरा 4 kilometer का स्ट्रेच है जहाँ पे कि आप पूरा ड्राइव इन कर सकते हो आपके बाइक के साथ या फिर कार के साथ। एंड फीस भी नॉमिनल है। और नॉर्मली अगर आप डायरेक्ट मुजफ्फरनगर बीच से घुसोगे तो शायद फ़ीस मांगेंगे। यहाँ पे तो किसी ने फीस भी नहीं मांगा, मैंने सुबह सुबह आया था। तो इवन इफ़ देर इज़ फीस तो इट वुड बी 30-40 rupees पर कार और बाइक, एंड दैट्स वर्थ इट मैन। तो यहाँ पे एक्चुअली दो क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन समवन ड्राइव इन अ बीच। तो वॉट अबाउट द हाई टाइड्स एंड वॉट अबाउट गाड़ी फंस जाना इन द सैंड। वेल, हाई टाइड्स के बारे में बहुत ही सिंपल आंसर है। यहाँ पे बीच में बहुत सारे ब्लैक रॉक्स है जो कि वो हाई टाइड्स को रोक लेते हैं। हेल टाइड यहाँ पे नहीं आता तो हाई टाइड से बच जाते हैं। क्वेश्चन को आंसर करने हम लोग जाएंगे कि सैंड में कैसे गाड़ी नहीं फंसता। इसके लिए थोड़ा हमको आरिनोलॉजी, जो कि एक जियोलॉजी का एक स्ट्रीम है, उसका नॉलेज चाहिए। सिंपलर टर्म्स में बोलूँ तो जो सैंड है यहाँ का, ऐसे मिक्सचर में बना है कि उसमें जब सी वाटर बनता है ना तो ये पूरा कॉन्क्रीट जैसे हो जाता है। हेंस ये बाइक्स दबता नहीं है, बाइक्स का और कार का टायर इतना दबता नहीं है अंदर, एंड यू कैन ड्राइव इजीली। वेल, ड्राइव इन इज़ द नॉट ओनली थिंग जिसके लिए कि आप ये बीच पे आ सकते हो। देर आर अदर थिंग्स टू डू ओवर हियर। तो देर आर टू अदर थिंग्स विच कैन बी डन ओवर हियर। फर्स्ट थिंग है द डिलीशियस फूड जो अभी थोड़े देर में हम लोग जाके खाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ धर्मा दमन आइलैंड्स। तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है मेरे, दिस इज़ धर्मा दमन आइलैंड। बीच को जाएंगे, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ का जो डिलीशियस फूड है उसको भी ट्राई करेंगे। वेल, अभी धर्मदम बीच पहुंच गया हूं मैं। दिस इज द धर्मदम बीच फॉर यू गाइस। जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले वो है मुजफ्फरनगर बीच जहाँ से कि धर्मदम दिख रहा था। सो दिस इज़ धर्मदम बीच, और मेरे पीछे दैट इज़ धर्मदम आइलैंड फ्रॉम दैट बीच। ये बीच को आने के लिए आपको 7 kilometer का स्ट्रेच है, बिकॉज डायरेक्ट रूट नहीं है, बस इधर ही है, बट 7 kilometers वाया रोड आना पड़ेगा, ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है ऐसे। तो धर्मदम बीच आने के बाद यहाँ पे एक बीच पार्क करके दिखेगा, उसका एंट्री टिकट इज 10 rupees। तो वो देख के आप अंदर आ सकते हो, और वहाँ पे पार्क है जहाँ पे कि बच्चे खेल सकते हैं एंड ऑल दैट। एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत छाँव है,
उसके बाद जब बीच में आओगे तो उतना कुछ छाव नहीं है यार, बट इट्स फाइन, आप आगे तक जा सकते हो, वो आगे जाने से इट्स बहुत ही सुपर, बहुत ही सुंदर दिखता है। ये जो मेरे पीछे है, दिस इज़ दैट धर्मदन आइलैंड विच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। अनफॉर्चुनेटली टाइड्स बहुत हाई है, अभी उधर जा नहीं सकते, वरना वॉक करके जा सकते थे, और बोटिंग वोटिंग भी कोई ऑप्शन नहीं है इट सीम्स, सो किस्मत ख़राब, बट स्टिल लाइक ऐसे हाथ के पास है बट कांट ग्रैब इट जैसा लग रहा है यार। ये बीच भी बहुत ही सुंदर है, यहाँ देखो पूरा फोटोजेनिक एरिया है, मतलब यहाँ पे बैठोगे फ़ोटो निकालोगे, इट वुड बी क्रेजी। ट्राई करते हैं, अकेले तो हूँ सोलो ट्रिप में, तो ट्राई करते हैं कुछ सेल्फीज लेने का विद द टाइमर ऑन, लेट्स ट्राई।